नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे उन कोर्सों के बारे में जिससे अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या जो नए कोर्सों के बारे में जानकारी है, उनको आगे क्या करना है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि इंजीनियरिंग सीए हुए पुराने हैं, 2019 में इन कोर्सों से होगी मोटी कमाई। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग और सीए में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कौन से कोर्सेज हैं जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे कोर्स जिनसे आपको बहुत ही फायदा होगा, जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम होगा। तो इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ले। चलिए हम उन कोर्सों के बारे में बात करते हैं जिससे आपकी मोटी कमाई हो सकती है, जिनमें प्रतिस्पर्धा कम होगी। देखिए, साल 2019 का आगाज हो चुका है, नए साल के शुरू होने के साथ ही करियर का सीजन भी शुरू होने है, जिसमें आप अपने करियर की राह चुनेंगे, जिस रास्ते से आगे आपको चलना है। लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में हर राह चुनना काफ़ी मुश्किल है ताकि आपको आसानी से मंजिल तक पहुंच सके। इसलिए हम आपको उन कोर्सों के बारे में बता रहे हैं जो 2019 काफ़ी लोकप्रिय हो सकते हैं और इन आगे फील्ड में रोजगार काफ़ी बढ़ सकता है। तो जैसा कि हम आपको उन कोर्सों के बारे में जिसको आपको बहुत ही फायदा होगा और जिसमें प्रतिस्पर्धा तो बहुत ही कम होगी, लेकिन आज तो हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा है, तो ये कोर्स कहाँ पे चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो कोर्स है आपको हम दिखा रही, जो ये नक्शा तरह दिख रहा है, तो इसी के आधार पे एक कोर्स है, तो जिसका नाम है कार्टोग्राफी। क्या नाम है? कार्टोग्राफी। ये कार्टोग्राफी होता क्या है? ये आपका टूरिज्म के नक्शे का अध्ययन करना, मतलब कि एक तरीके के नक्शा बनाना होता है। तो चलिए इसके बारे में हम अध्ययन बताते हैं आपको कार्टोग्राफी क्या है। कार्टोग्राफी में नेविगेशनल और टूरिज्म के लिए नक्शे का अध्ययन करना और बनाना आदि की जानकारी होती है। कार्टोग्राफी किसी जगह के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और अक्षांश रेखाओं, ऊंचाई और दूरी का विश्लेषण करते हैं, फिर इसे डिजिटल ग्राफी के रूप में मानचित्र तैयार करते हैं। दिल्ली के कई यूनिवर्सिटी में यह कोर्स कराया जाता है। तो आप जैसा कि जाने, कार्टोग्राफी का कोर्स कहाँ चल रहा है? दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, जिसमें क्या होता है कि किसी स्थान के अध्ययन करना, अच्छी तरीके से ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, फिर उसके में नक्शा को तैयार करना। दूसरा देख रहे हैं कि जैसे ये फ्रूट के लिए, तो इसमें दूसरा क्या है हमारा, ये फ्रूट पे है। देखिए इसमें कौन सा कोर्स है, तो जैसे फूड केमिस्ट्री, तो ये भी बहुत अच्छा ही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखिए, फूड केमिस्ट्री भी आगामी वक्त के अनुसार काफ़ी अच्छा कोर्स साबित हो सकता है, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कि कौन सा किसकी सेहत की बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती है और बताया भी जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स हो सकता है, साबित हो सकता है। इसमें फूड प्रोडक्शन संयंत्रों में काम कर अलग अलग खाद्य पदार्थों का प्रयोग होने वाली सामग्री का अध्ययन करना है, तथा साथ ही फूड केमिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की सारी प्रोसेस शामिल करता है। साउथ में कई ऐसे कॉलेज हैं जो पढ़ाई करवा रहा है, तो फूड से संबंधित कोर्स कहाँ पे चल रहा है? साउथ में, जो बहुत ही अच्छा कोर्स है फूड केमिस्ट्री। देखिए दूसरा क्या है आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए क्या है, ये आप देख ही रहे हैं, अनाज है खेती तरीके से, तो क्या है, रूरल स्टडीज। तो रूरल स्टडीज मतलब खेती के लिए, रूरल स्टडीज भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इन कोर्सों में समाज के विकास, पर्यावरण, मानव अधिकार, पशुपालन, कृषि प्रबंध और योजना बल विकास जैसे विषयों पर पढ़ाई करवाई रही है। इन यह कोर्स करने के बाद कई तरह के फॉलोशिप करके अपने करियर बना सकते हैं या कई एजेंसियों के साथ भी काम कर सकते हैं, जो कि रूरल स्टडी है। बहुत ही एक अच्छा कोर्स है जिसमें रूरल मतलब आप जान ही रहे, गाँव खेत के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि ये कोर्स है और इसका अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम भी हो सकता है। तो नेक्स्ट कोर्स से देख रहे हैं, जैसे कि व्यायाम लग रहा है आपको, देखिए मैं फिगर से आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि जो फिगर है, चित्र है, वो उससे आपको समझ में आ गया। तो योग में बने सकते हैं करियर, तो जैसा कि आप जान रहे कि योगा इस समय बहुत ही तेज चल रहा है, तो योगा से बन सकते हैं करियर। हाल ही में चीन की एक यूनिवर्सिटी के ने देश में 50 फीसदी से ज़्यादा योग कॉलेज खोलने का फैसला किया, जिसके माध्यम चीन में लोग को योग के बारे में बताया जाएगा। आप भी योग से जुड़कर पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं, जिसके लिए आप कई कोर्स भी करवा जिसके लिए कई कॉलेज भी करवाते हैं। जैसा कि योग भी एक बहुत अच्छा साधन है और आने वाले समय में योग करना स्कूलों में या तो करवाना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साधन है। तो नेक्स्ट आप देख रहे, तो ये आपका है जैसे कि मीडिया, तो मीडिया तो है नहीं, आपको हम दिखाते हैं कौन सा कोर्स है, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, देखिए अब राजनीति और चुनाव प्रचार के तरीके काफ़ी बदल गए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोग बदल गए। राजनीतिक पार्टी चुनाव के दौरान में आप सभी अपने संपर्क विभाग की मदद के लिए पेशावर लोगों का तलाश करती है जो पार्टियाँ के प्रचार के काम कर सके। तो आप कई संस्था पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में पोस्टर ग्रेजुएट डिप्लोमा करवा रहे हैं, जिसमें
मैनेजिंग पार्टिकल सेंसिटिविटी एज ऑफ सोशल इलेक्शन एलुएशन ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर पढ़ाया जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, एक तरह से हम आपको फिर से एक बार दिखा दे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। दूसरा आपका क्या था, जैसा कि आप देख रहे हैं ये योगा वाला, तो इसमें आप कैरियर बना सकते हैं। आप देख रहे हैं रूरल स्टडी, तीसरा क्या है आपका, चौथा देखेंगे फूड केमिस्ट्री। तो इन कोर्सों के साथ आपको और अच्छा इनकम हो सकता है, जिसपे कार्टोग्राफी, तो ये जो कोर्स हैं बहुत ही फायदेमंद मिलेंगे आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अलग अलग कोर्स है जो कि आपके कोर्स में ज़्यादा फाइट नहीं होगी और अच्छा एक इनकम भी हो सकता है। अभी ये नए स्कम है और कुछ ही जगह करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण हम आपको पूरी जानकारी दिए। और इसी संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो भी जानकारी मिलती रहेगी लेटेस्ट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, यहीं से हम अलविदा लेते हैं।